वेलकम बैक। सो मेरा फर्स्ट मोटिव इस ड्रामा को देखने का, दरअसल इसमें हमारे मेन लीड को लड़की मिली जाती है। फाइनली इतने सारे ड्रामा में सेकंड लीड का रोल करते करते पहली बार फर्स्ट मेन लीड का आखिरकार ऑफर मिली जाता है। सो ड्रामा की स्टार्टिंग सबसे पहले हम फीमेल लीड से होती है, जिसका नाम है ऊ सू जे। दरअसल सू अपने लॉ फर्म की सबसे ज़्यादा जानी मानी लॉयर है एंड वो आज तक सबसे ज़्यादा ट्रायल जीती है। दरअसल उसका मुकाबला पूरे लॉ फर्म में आज कोई भी नहीं कर सकता। उसकी रेपुटेशन काफ़ी हायर एंड हायर दिनों दिन होती जा रही है। उससे जलते हैं क्योंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दरअसल किसी ने भी हासिल नहीं की थी। सू जब अपने लॉ फर्म से निकलती है तो यहाँ पर एक लड़की सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, से कार के ऊपर गिरती है तो कार का कांच टूटने से सारा जो ब्लड है वो सू के ऊपर स्प्लैटर हो गया था। इसके बाद क्या था, सू काफ़ी ज़्यादा डरा फील करती है। आफ्टर दैट वो रेस्ट रूम में जाती है, वो अपना चेहरा देखती है तो काफ़ी टेरिबल था, सारे कपड़े रेड पड़ गए थे। वो इस चीज़ से ज़्यादा डर गई थी कि वो अपनी हील्स निकाल कर वहीं पर फेंक देती है। इसके बाद वो टैक्सी में बैठ कर अपने घर पर जाती है। आफ्टर दैट में प्रेजेंट डे देखा जाता है, जहाँ लीग मीरिम उसे बताती है कि उसे दरअसल चेयरमैन बुला रहे हैं। जब वो चेयरमैन से मिलने के लिए जाती है तो चेयरमैन उसे एक केस फाइल करते हैं और कहते हैं कि ये केस उसे जैसे भी तैसे जीतना ही होगा। इसके बाद सू कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, वो आज तक सारी ट्रायल जीतती आई है, बट ये जीतना थोड़ा मुश्किल है, बट वो हार नहीं मानने वाली। एंड उसे ऐसा सुनने में आता है कि सेकेंड ट्रायल तो वो जीत ही नहीं सकती बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके बाद उसे हम कोर्ट में देखते हैं, यहाँ पर वो अपनी ट्रायल में बिजी होती है। दरअसल वो यहाँ पर एक वीडियो प्ले करती है जिसमें सस्पेक्टेड मैन एक अपोजिट पार्टी से बात कर रहा था एंड उसे पैसे ऑफर कर रहा था। दरअसल ये केस उस इंसान ने फाइल किया होता है और उसका ये कहना था कि जो केमिकल कंपनियों के बगल में है उसकी वजह से उसके बच्चे की हालत ख़राब हो चुकी है और वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार है। यहीं पर सू इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एविडेंस प्ले करती है, पहले बच्चा इसकी वजह से बीमार नहीं है और उसने उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट चेक की है कि वो बिल्कुल ज़्यादा ठीक है और इसकी वजह से उसकी बीमारी तो हो ही नहीं सकती। तभी यहाँ पर उस बच्चे की मॉम काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और सिंपथी बटोरने लगती हैं कि उनका बच्चा इन सबकी वजह से बीमार है, क्या करें। आपको एक जज की तरह फैसला लेना चाहिए कि बच्चे की माँ इन इस बच्चे पर क्या गुजर रहा होगा। मीरम एक फाइल लेकर सू को देती है, तभी सू यहाँ पर सभी को एक एविडेंस दिखाती है, सबको बताती है दरअसल बच्चा इसकी वजह से बीमार नहीं है और उसकी असली बीमारी की वजह है कि उसके पेरेंट्स उसे अब्यूज़ करते हैं और ये सब मुझे अभी अभी पता चला है। तभी उसके पेरेंट्स के लिए ना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस पर सू एक बात का खुलासा और करती है कि दरअसल ये बच्चा अडॉप्टेड है तो ये जायज़ है कि उसके पेरेंट्स उसे अब्यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम जो बैठी होती बगल में वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे वहीं पर अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं पूरे कोर्ट के सामने। तभी सारे कोर्ट वाले जो बैठे होते हैं वो उन्हें रोकने लगते हैं और वो कहती हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अगर तुम हमारी दुनिया में नहीं आती तो शायद ये सब नहीं होता। इसके बाद दूध का दूध एंड पानी का पानी तो हो ही जाती है, उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं जो कि उसे अब्यूज़ करते हैं एंड उसकी दरअसल उस फैक्ट्री की वजह से होती ही नहीं है। सो ये केस जीत जाती है। यहाँ पर बाहर आकर उसे उसके कलीग्स अप्रिशिएट करते हैं और कुछ तो कहते हैं कि क्या आप हमें केस समझा सकती हैं। तभी यहाँ पर सू कहती है कि अगर तुम्हें ट्रायल लेकर भी केस समझ में नहीं आया तो अपने लिए कोई डिफरेंट जॉब ढूंढ लो। एक परफेक्ट एंड काबिल लॉयर होने की वजह से सू को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और वो लॉयर ऑफ द ईयर भी बन चुकी है। इसके बाद उसकी रेपुटेशन दिनों दिन काफ़ी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर कुछ कलीग्स बात करते हैं कि जब ये फाइनली इस लॉ फर्म में एंटर हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा लूज़र थी, इसे सब लोग निगलेक्ट करते थे एंड कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता था। इसकी हालत एक भीगी बिल्ली की जैसी थी, बट आज देखो आज इसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये हमारे साथ बैठकर डिनर भी कर सके। टाइम कितनी जल्दी फ्लाई हो जाता है। अरे रेपुटेटेड लॉयर बैठकर ही बात करते हैं कि अगला मैनेजिंग पार्टनर किसको बनना चाहिए। यहाँ पर सू को प्रेजेंट किया जाता है पर सभी मना कर देते हैं बिकॉज एक तो एक फ़ीमेल है और आज तक कोरिया में कोई फीमेल मैनेजिंग पार्टनर नहीं बनी, वो भी इतनी बड़ी लॉ फर्म में। इसके लिए सभी मना कर देते हैं। उसके बाद हम योंग बाई को देखते हैं, नया मैनेजिंग पार्टनर बनने के लिए चूज़ किया जाता है। सभी लोग इसके लिए हामी भरते हैं और यहाँ पर चेयरमैन भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद जब सू ने कन्फर्म करती है तो उनसे बात करती है, उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि आप किसी और फर्म के लोगों के साथ हैंग आउट क्या कर रहे थे, क्या आप हमारी लॉ फर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप हमारी लॉ फर्म के लिए काबिल मैनेजिंग पार्टनर रहेंगे। साथ साथ में वो चेयरमैन को कॉल भी कर देती है। यहाँ पर जो योंग बाय रहता है वो काफ़ी भला बुरा सू को सुनाता है और ये सब चेयरमैन सुन लेते हैं। अब सू चेयरमैन से कहती है कि आप अभी भी चाहते हैं कि इस इंसान को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए, तभी चेयरमैन वहीं पर ना कर देते हैं
हैं और कहते हैं कि यंग बाय आज से तुम्हें डायरेक्टर बनने की पोस्ट का सपना ना छोड़ दो, क्योंकि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा और अगला मैनेजिंग डायरेक्टर तुम तो हो ही नहीं सकते। को सुपर का भी तो गुस्सा आता है क्योंकि उसने एक झटके में उसका सारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी सू कहती है कि आप ना काम खुद ही कर सकते हैं, इसलिए आपको मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चेयरमैन बाकी पार्टनर के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सभी इसमें ना कहते हैं कि सू काफ़ी काम में काफ़ी ज़्यादा टांग अड़ाने लगती है, तो लगता है कि सू को जल्दी से जल्दी इस लॉ फर्म से निकालना चाहिए। तभी चेयरमैन बात करते हैं कि वो दरअसल सू जी को इस लॉ फर्म का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं और इसके लिए वो एकदम श्योर हैं। सभी पार्टनर कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तभी चेयरमैन कहते हैं कि दरअसल वो एक वफादार डॉग की तरह है जो कि हमेशा अपने लॉ फर्म के लिए लॉयर रहेगी, इसलिए उसके अलावा एक अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर शायद ही कोई बन पाए। इसके साथ हम चेयरमैन की एक अच्छे और इविल से फेसेस को देख सकते हैं कि आखिर वो जितना दिखाते हैं वो उतना अच्छे हैं भी नहीं। इसके बाद सुबह पूरे लॉ फर्म में खलबली मच जाती है कि आखिर ये सब क्या हुआ, क्या सूचे सच में नई मैनेजिंग पार्टनर बनने वाली है। उनकी इतनी बड़ी सक्सेस पर यहाँ पर पार्टी रखी जाती है और यहीं पर योंग बाई की वाइफ भी आती है। इसके बाद वो उससे बात करने लगती है पर सू को उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर सभी के सामने खोलने लगती है। हमारा सोच से डिवोर्स होने वाला था, तभी यहाँ पर वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो सू से खुद ही बात करना छोड़ देती है क्योंकि उससे पता है अगर वो सू से बात करेगी तो सू उसके पुराने कच्चे चिट्ठे खोली देगी। देन जब सू लॉ फर्म में एंटर करती है तो शी वॉज नाउ ए न्यू मैनेजिंग पार्टनर, तो उसका रॉ भी कुछ अलग था। सारा ऑफिस उसे देखकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है बिकॉज उसकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी थी। उसको टक्कर देने वाला आज लॉ फर्म में कोई भी नहीं था। जो लोग उसका कभी मजाक उड़ाते थे वो उसे देखकर आज उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सूजे अपने ऑफिस में जाती है तो यहाँ पर मीरेम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, उसे फ्लावर्स देती है। दरअसल पूरी ऑफिस में एक मीरेम ही है जो उसके पार्टनर बनने पर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी एंड उसे सच में लगता है कि शू इस पोजीशन को डिजर्व करती है। इसके बाद यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो उसके ऑफिस में झांक रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मीरेम बताती है कि आपके मैनेजिंग पार्टनर बनने के बाद शायद ही लॉ फर्म में किसी को खुशी हुई बिकॉज कोई भी नहीं चाहता था, बट मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप उस पोजीशन तक पहुँच चुकी हैं जिसे आप डिज़र्व करती हैं। चेयरमैन से बुलाकर उसे केस देते हैं पार्क सो यंग। दरअसल वो उसे बताते हैं इस लड़की को हॉस्टेज के रूप में देखा जा रहा है और इसने ये क्लेम किया है कि शी वॉज ए विक्टिम ऑफ ए रेप। चेयरमैन सू से ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम इस इंसान को पहले से जानती हो। तभी यहाँ पर सू के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, शायद वो इंसान को काफ़ी करीब से जानती है पर उसके लिए वो कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि वो इस केस को जीत कर रहेगी एंड आप चिंता मत कीजिए कि मैं इस लॉ फर्म की रेपुटेशन को कभी नहीं दूंगी, ना ही मैंने आज तक ऐसा कुछ किया है। तभी कांग वोक उसे मिलने के लिए बुलाता है और ये इंसान कोई और नहीं, इस इंसान को उस क्राइम के लिए ब्लेम किया जा रहा है, ये वही इंसान है। इसके बाद सू उसका फ़ोन कट कर देती है पर आफ्टर दैट वो उसे पर्सनली मिलने उसके कार में जाती है। यहाँ पर कांग वोक उससे कहता है कि प्लीज़ उसे बचा ले। तभी वो कहती है कि वो उसकी बात कैसे माने। तभी कांग वो उससे कहता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया था। दरअसल हम समझ सकते हैं कि ये दोनों कभी पास में डेट कर चुके हैं। यहाँ पर सू इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। तभी वो कहती है कि अपने घुटनों पर बैठकर अच्छे से मुझसे माफ़ी मांगो एंड मुझसे प्लीज करो। इसके बाद वो इंसान वही करता है। दरअसल इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद कांग वो उसे अपने घुटनों पर बैठकर सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज़ उसकी हेल्प कर दे। तभी सू उसे अपने पास लाती है और कहती है कि ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों पर्सनली कभी मिले हैं। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। पार्क सो यंग को पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। तभी एविडेंस थे वो उसके खिलाफ थे कि पार्क सो यंग झूठ बोल रही है, दरअसल उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तभी पार्क सो यंग चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हें मेरा दर्द समझना चाहिए और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर सारे एविडेंस तो यही बोल रहे थे कि वो दरअसल झूठ बोल रही है। इसके बाद उसे वीडियो टेप भी सुनाती है। उसी की तरह लड़कियाँ कुछ ऐसा ही बोल रही थी कि पार्क सो यंग तो ऐसी ही है, दरअसल उसने काफ़ी लड़कों को फंसाया है ऐसे ही कर, तभी तो वो इतने सारे पैसे कमाती है। इसके बाद क्या था, पार्क सो यंग के चेहरे की उड़ जाती है। यहाँ पर सू से ये भी कहती है कि वो इस वीडियो को पब्लिश करने वाली है, फिर देखते हैं कि वो कैसे जिंदा रहती है। वो उसे जिंदा रहते हुए भी घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ देगी, फिर देखना उसकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा। तभी पार्क सो यंग अपना आपा खो बैठती है। इसके बाद वो सारे लॉ फर्म में उसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ ना कुछ कहने लगती है। यहीं पर सू उसकी ज़रा भी बात नहीं सुनती और वो कहती है कि हम दोनों एकदम डिफरेंट हैं, तो तुम अपना काम करो और मैं अपना काम। तभी मीरीम उससे कहती है कि आपको शायद उसकी बात सुनना चाहिए, वो आधा झूठ बोल रही है पर शायद आधा सच भी है। इसके बाद यहाँ पर सू उसे बताती है कि तुम भूलो मत कि हमारा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि कांगवोन है एंड हमें उसे बचाना है। काफ़ी लेट नाइट काम करने के बाद जब सू बाहर निकलती है तो
पार्क सोयंग छत से कूद कर जान दे देती है। वो पर्सन नीचे गिरती है तो सारा ब्लड यहाँ पर सूखे कपड़ों के ऊपर था और वो इसे देख कर काफी डर गई थी। और ये वही सीन है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। सो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। इसके बाद अपने घर पर जाकर कुछ टैबलेट खाकर एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर सो जाती है। लेकिन उसे रात में इसकी काफ़ी ज़्यादा नाइट में रहते हैं और वो सो नहीं पाती है। जब वो सुबह लॉफर्म में जाती है तो वो काफ़ी इमोशनलेस थी और वो सभी को ऐसे दिखाती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉफर्म के सारे लॉयर्स इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें शू को कहीं दूर भेज देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, बिकॉज शू शायद अब इस लॉफर्म के लिए उतनी सेफ नहीं है बिकॉज उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन गिरती जा रही है। तभी शू यहाँ पर एंटर करती है और सभी को लोगों को नीचा दिखाती है जो कि उसे पास्ट में काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। यंग बाय से भी कहती है, तुम तो मुझे सालों के लिए US भेजना चाहते हो, वाओ क्या प्लानिंग है तुम्हारी। यहाँ पर सभी के मुंह उसे देखकर बंद हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सू एक बात कहती है कि ये लॉ फर्म उसे बिलोंग करती है और वो इस लॉ फर्म को। ये बात चेयरमैन को कहीं ना कहीं खटक गई थी और सोचते हैं कि ये तुम बहुत ही ज्यादा गलत बोल गई। बाद वो चेयरमैन के साथ लंच पर जाती है जो कि चेयरमैन उसके साथ करना चाहते थे। यहाँ पर वो सू से कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जंग यूनिवर्सिटी में चले जाना चाहिए। तभी सू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहती और कहती है कि वो यहाँ पर नहीं जाएगी। तभी यहाँ पर चेयरमैन कहते हैं कि ये मेरा ऑफर नहीं है, मेरा ऑर्डर है और तुम्हें एक वफादार डॉग की तरह ये बात अपने मालिक की माननी चाहिए। और हम समझ सकते हैं कि चेयरमैन कोई सीधे साधे नहीं है, वो भी टू फेस गेम खेलना जानते हैं। सो ये सब जानती थी और वो उन्हें भी बताती है कि लॉ फर्म में सबसे ज़्यादा पैसा दरअसल उसके जीते हुए केसेस की वजह से ही आता है और उसके लॉ फर्म की रेपुटेशन से उसकी वजह से है। तभी चेयरमैन कहते हैं कि वो ये सब जानते हैं पर उसे अभी ब्रेक लेना चाहिए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सू उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। ड्रामा में हमारे मेन लीड का नाम है गोंग चैन। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा वार्म है, इनोसेंट है पूरे ड्रामा में। इसके बाद वो यहाँ पर कुछ फिशेस लेकर आ रहा था बट कुछ धक्का लगने की वजह से सारी फिशेस यहाँ पर शू के पैरों के आसपास गिर जाती हैं। तभी शू का वेदर फ्रस्ट्रेटेड तो थी, इस इंसिडेंट से उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था। वो खड़े होकर चैन को एक के बाद दो थप्पड़ मार लेती है और उसके बाद जब वो उसे तीसरा थप्पड़ मारने के लिए होती है तो चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो सू की आंखों में देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी एंड उसके आंखों से फ्रस्ट्रेशन टपक रही थी। इसके बाद वो सू से कुछ भी नहीं कहता एंड इसके बाद सू अपनी कार में बैठ के चली जाती है। तभी अब वो अपने डैड को याद करती है। यहाँ पर उसके डैड हमेशा से चाहते थे कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बने और वो हमेशा अच्छे से अपना केस लड़े। आफ्टर दैट यहाँ पर बारिश होने लगती है और सू अपनी कार से बाहर निकलकर उसी बारिश में जोर जोर से रोना स्टार्ट करती है। वो खुद यहाँ से ड्राइव करके हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से अगर उसने आराम ढंग से नहीं किया तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। तभी शू कहती है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, उसकी लाइफ अभी लंबी है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आकर बताते हैं कि आज तुम लोगों को कोई दूसरे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए आएंगे। इसके बाद वो सभी को बताते हैं कि उनकी सीट्स उनके स्कोर्स के हिसाब से अरेंज की गई हैं। लास्ट बेंच पे बैठने वाले के स्कोर सबसे कम आए होंगे, ये तो तुम लोग समझ ही सकते हो। इसके बाद सभी लोग लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट के ऊपर देखने लगते हैं। यहीं पर चैन की एंट्री होती है, वो क्लास के लिए सबसे ज़्यादा रेट था। इसके बाद वो पीछे जाकर बैठ जाता है, मतलब वो भी लो स्कोर के साथ पास हुआ था। यहाँ पर सू काफ़ी टाइम तक नहीं आती लेकिन फिर जब वो काफ़ी टाइम के बाद आ जाती है तो सभी को अपना नाम बताती है। सभी उसका नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। वो पूरे लॉयर्स के लिए एक जानी मानी हस्ती थी और वो सभी लॉयर्स के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम तो नहीं थी। और वो सिर्फ एक सेंटेंस लिखती है, नेवर लेट माई क्लाइंट इन अ प्रिजन, मतलब वो कभी भी अपने क्लाइंट को प्रिजन में नहीं रहने देगी और वो जो भी केस लड़ती है वो उसे जीत कर ही रहती है। और उसका फर्स्ट सेंटेंस ही काफ़ी इंप्रेसिव था, सारी क्लास से देखते ही रह जाती है बिकॉज उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही काफ़ी ज़्यादा गजब था। चैन उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो कहता है कि सू चे उसके पास के बारे में दिखाया जाता है कि पास्ट में दरअसल वो जेल जा चुका है। शू उसकी लॉयर होती है। इसके बाद जब वो शू से मिलने के लिए आता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो शू पर गुस्सा होने लगता है और कहता है तुम मेरी बात बाकी लॉयर्स की तरह नहीं सुनोगी तो तुम्हारे लिए इच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी शू उसे भरोसा दिलाती है कि उसे उस पर यकीन है और वो देखना उसे यहाँ से ज़रूर छुड़वाएगी क्योंकि वो एक अच्छी लॉयर है और वो जानती है कि चैन भी एक अच्छा इंसान है। इसके बाद चैन वहाँ पर शांत हो जाता है और वो उस पर यकीन करने लगता है। तभी यहाँ पर प्रेजेंट में चैन उसके पीछे पीछे भागता है और वो सू को दूर से ही देखता रहता है और कहता है कि मैं उस इंसान से दोबारा मिला जिसने कभी मेरी ज़िंदगी बचाई थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ही भी ख़त्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।